Hello dear students, today I am once again with you to help you a little bit during the preparation of your examination. Examination एक चीज़ ही ऐसी है कि जिसे हमने बचपन से अब तक ऐसे ही देखा है. उसका नाम आते ही एक fear हमारे दिल में आ जाता है and it is a natural feeling. As you know, fear is a natural feeling and it always exists in our mind. But the basic thing is this, how to handle that fear. वो fear जब अपनी limit cross कर लेता है तब हमारी performance पे भी effect डालने लगता है और ऐसी situation में हमें सोचना पड़ता है how to handle fear. And today's topic is obviously how to handle fear of examination. So as I told you that fear is a natural emotion and it is always there in the mind of man. Each and everyone is having a sense of fear. But what we have to handle? We have to handle the amount of fear which should not affect our normal functioning. जब इस तरीके से हम fear को handle करें कि वो हमारी normal functioning को affect ना कर पाए. आखिर एक सवाल होता है कि आप exam से डरते क्यों? इतना क्यों डरते हो? आप अगर सोचेंगे तो यू वुड कम टू रियलाइज द फैक्ट दैट वी आर अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एग्जामिनेशन. कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स कि उसके क्या परिणाम होंगे एग्ज़ाम के. क्या हम अपने पेरेंट्स की कसौटी पे खड़े उतर पाएंगे? क्या हमने जितने मार्क्स चाहे उतने आ पाएंगे? क्या हम हमारे कंपेनियन से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्या हमारे मार्क्स इतने होंगे कि हम आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएं? ये सारे से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको डराते हैं. अदरवाइज एग्ज़ाम इज़ ए फिनोमिनन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अवर सक्सेस, रादर इट इज़ मेजरिंग हाउ मच वी हैव लर्नड. बट एज आई टोल्ड यू कि बचपन से ही हमने उसे इस तरीके से देखा है कि उससे हमारी इज्जत जुड़ जाती है, उससे हमारा समाज में स्थान जुड़ जाता है और इसीलिए उन कॉन्सिक्वेंसेस से हम डरते हैं, उसे हम नेचुरल वे में नहीं लेते. लेकिन अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमारी आदत है, हम तो डरते हैं और आज भी डर रहे हैं एग्ज़ाम से. तो अब ये सोचने की बारी है कि आखिर हाउ टू हैंडल, हम उन चीज़ों को हैंडल कैसे करें. अब देखिए, पहले आप एक बात समझिए कि कुछ टर्म हैं, जैसे आपने कहा फियर, मैंने बताया इट इज़ ए नेचुरल इमोशन. फियर जब लंबे समय तक आपके पास रहता है देन इट कॉजेज स्ट्रेस. स्ट्रेस जब लंबे समय तक देन इट कॉजेज एंग्जाइटी एंड दिस एंग्जाइटी नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर परफॉर्मेंस. It is a chain that you should understand. Because if you want to handle fear, you would have to understand how fear is impacting your brain. Fear is giving rise to a kind of stress. And when for a long time you are under stress, that gives rise to anxiety. And anxiety, when we are anxious, then definitely it would have a negative impact on our performance. तो डरने की वजह से हम उन चीज़ों को भी गलत कर देते हैं जो चीज़ें शायद हम नॉर्मल रूटीन में सही से जानते हैं. तो निश्चित रूप से एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें फियर का फियर नहीं होना चाहिए. कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, तो निश्चित रूप से और आप उस पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने फियर पर काबू पा पाएंगे. फियर ना हो ऐसा नहीं हो सकता, फियर नेचुरल है, बस हमें क्या करना है, हमें उस पर काबू पाना है. तो देखिए कि किस तरीके से हम क्या हैंडल करें और क्या काबू पाएं वो मैं आपको बताती हूँ. नंबर वन थिंग, थिंक पॉजिटिव. सकारात्मक सोचें. सकारात्मक सोचें का मतलब आपका मान लीजिए सिलेबस है,
100% सिलेबस आप करना चाहते हैं। अब आपने देखा, एक दिन मेज़र किया, 30% रह गया है। अब आप निरंतर उस 30% के बारे में सोच रहे हैं, ये तो क्या नहीं। आप उस 70% के बारे में सोच ही नहीं रहे जो कर लिया। तो आपको उस पर भी ध्यान लगाना है जो मेरे पास ऑलरेडी है, नॉट ओनली रिलेटेड टू सिलेबस बट बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको दे रखी हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर हैं, हमें समझाने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी क्लास है, हमारी पास बुक्स हैं जो बहुतों के पास नहीं हैं। तो हम प्रिविलेज्ड हैं, आपको ये सोचना है, क्योंकि आप एक नेचुरल थिंकिंग है कि हमारे पास जो नहीं है हमारी निगाह उसी पे अटकती है। आपको अपने इस एटीट्यूड को चेंज करना है। फियर को ओवरकम करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू चेंज योर एटीट्यूड। फियर के प्रति अपना एटीट्यूड बदलिए। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और पॉजिटिव सोचने के लिए आपको वो सारी चीज़ें, चाहे आप सोचिए कि मैंने इतनी पढ़ाई तो की है ना, इतना सारा तो मुझे याद है ना। अब जो याद नहीं है उसे भी हम करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से जितना याद कर पाएंगे उतना अच्छा है। कोशिश पूरी करनी है आपको, हार्डवर्क पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ भी सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं सोचना। सो वन थिंग इज दिस, आपको पॉजिटिव सोचना है, नॉट ओनली रिलेटेड टू योर सिलेबस बट ऑल्सो विद द थिंग्स दैट यू आर पजेसिंग इन योर लाइफ। जितनी सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं वो क्या कम है। तो एक नंबर वन, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग वुड अफेक्ट योर मूड, वुड अफेक्ट योर टेम्परामेंट, एंड डेफिनेटली इट वुड बूस्ट अप योर मेमोरी, इट वुड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। एंड सेकेंड थिंग इज फॉलो प्रॉपर रूटीन। वॉट हैपेंस, देखिए होता क्या है कि एग्जामिनेशन डेज में कॉलेज की भी छुट्टियां हो गई, प्रिपरेशन लीव हो गई, आपका घर में कोई रूटीन सेट नहीं है, जितने भी बजे उठ रहे हैं, जितने भी बजे खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, रात में देर तक पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपका जो रूटीन है ना, तो पढ़ाई का टाइम टेबल, ना खाने पीने का टाइम टेबल, ना सोने का टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं रहता। और निश्चित रूप से आप एक बात को जान लीजिए कि अगर कि एक टाइम टेबल फिक्स नहीं रहेगा तो ना तो आप परफॉर्मेंस का आकलन कर पाएंगे कि मैंने कितना याद कर लिया या क्या कर लिया, और ना ही आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास 40 चैप्टर्स हैं या 40 बुक्स हैं या 10 बुक्स हैं याद करने के लिए या 10 क्वेश्चन से याद करने के लिए। अब आप एक एक करके धीमे धीमे करते हैं तो 10 याद हो जाते हैं। कोई आपके सामने इकट्ठा रख दे, वो क्यों रूटीन है आपका कि एक दिन में मुझे 2 पेजेस याद करने हैं, फिर 2 पेजेस, और एक दिन 20 और 40 पेजेस भी याद हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कोई 40 पेजेस आपके सामने रख दे तो आप टेंशन के मारे उसमें से 2 भी याद नहीं कर पाएंगे। तो रूटीन इसलिए ही ज़रूरी है कि अगर आप रूटीन से धीमे धीमे चीज़ें करेंगे तो आप वो पहाड़ सी चीज़ें जो आपको लगती हैं वो आप पूरी कर पाएंगे। उसके अलावा अपने खाने का, ईट वेल, स्लीप वेल, अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करती हैं। और जब एनर्जी आपकी बहुत सारी होगी तो फिर निश्चित रूप से आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में कर पाएंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। नंबर 3, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, डू नॉट कंपेयर। आप अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए कि मेरी फ्रेंड है, आपने उससे फ़ोन पे बात की, अरे उसने तो ये भी याद कर लिया, मुझे ये याद नहीं हुआ है, और फिर आप डिसहार्टन होते हैं, और डिसहार्टन होते ही आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप उससे पूछिए कि उसने क्या याद कर लिया, क्या इम्पॉर्टेंट है, ये सब बात कीजिए, लेकिन अपना कंपैरिजन मत कीजिए। हो सकता है उसकी कैपेसिटी एक दिन में 4 चैप्टर याद करने की है या 4 क्वेश्चंस याद करने की है, और आपकी कैपेसिटी 3 की ही है, लेकिन पूरा कर लेंगे। आप उस समय याद कीजिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे धीमे चल के भी रेस को जीता जा सकता है। तो भले मैं धीमे चल रही हूँ या चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अल्टीमेटली रेस को जीतने में सफल होऊंगा। इस आशा के साथ आप अपना कंपैरिजन किसी से भी ना करें, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, और आप भी यूनिक हैं ये मान के चलिए। 4th थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज स्टडी स्मार्टली।
In the previous video, I told you about the hard work. But when the examinations are approaching, hard work is not sufficient. You have to do smart work. You have to study smartly. Now the question is there, what is smart study? Then smart study is in a limited space of time, you are capable of gaining much. यानी थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो, उस तरीके की टैक्टिसेज हम यूज़ करें तो उस स्टडी को कहते हैं हम स्मार्ट स्टडी। तो देखिए इसके 1, 2, 3, 4 में आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट आप देखिए स्मार्ट स्टडी की अगर हम बात करें तो क्या है कि आप जैसे कोई चीज़ पढ़ के याद करते हैं, ठीक है, पढ़िए, पढ़ना तो है ही याद रखने के लिए। आफ्टर दैट यू डिस्कस इट विद अदर्स, दूसरों के साथ उसे क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। और डिस्कस करने के साथ साथ यू शुड ट्राई टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। हो सकता है आप इसकी अहमियत ना जानते हो, मैं बताती हूँ थोड़ी सी समय में कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसे किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्कस करते हैं, आप कहेंगे मैडम डिस्कस करने के लिए हमारे पास कौन हो सकता है, डिस्कस करने के लिए आपके पास फ्रेंड हो सकता है, डिस्कस करने के लिए आपके पास भाई बहन मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं। आप कहेंगे मम्मी पापा को तो वो आता ही नहीं, ना आए, बट हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोसेस है ट्राई टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। जब आप दूसरे को समझाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट सेट होता है एंड ओनली देन यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड द थिंग। और हमें क्या चाहिए, हमें भी तो यही चाहिए कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए। आप पढ़ते जाते कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो उसके लिए क्या करना है स्मार्ट स्टडीज़ के लिए कि आपको जो कुछ भी याद करना है उसे पढ़िए, उसे डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं या किसी के साथ, और उसे समझाने की कोशिश कीजिए। उस समझाने के दौरान आपके दिमाग में खुद चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी एंड यू वुड डू वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन। नंबर टू थिंग इन स्मार्ट स्टडी इज दैट रिवाइज रेगुलरली। दिस मिस्टेक इज मेड एटलीस्ट बाय 90% स्टूडेंट एंड ड्यूरिंग रिविजन इट शुड बी कैप्ट इन माइंड दैट द रिविजन शुड बी रिपीटेडली डन एंड इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, नॉट बिफोर 2 or 3 days एग्जामिनेशन, बल्कि उसे जल्दी शुरू कर लीजिए रिविज़न को। एंड वॉट हैपन्स रिविज़न के दौरान, आप रिविज़न कैसे करते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं नीचे तक, फिर ऊपर से पढ़ा नीचे तक, अब होता क्या है उसमें आप अपनी एनर्जी और टाइम उन चीज़ों पर भी लगा रहे हैं जो चीज़ आपको ऑलरेडी याद है। आप उसमें से आइडेंटिफाई करिए कि ऊपर से लेके नीचे तक के पेज में आपको क्या चीज़ याद नहीं रहती, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको क्या आता है, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं आता। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट व्हाट यू डू नॉट नो, सो आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स दैट यू डू नॉट नो एंड रिवाइज देम रेगुलरली। At number of times when you're revising the things which you do not know, then ultimately they would become known to you. So revision is very essential and you commit this error. आप यही गलती बार बार करते हैं कि आप आगे पढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते जाते हैं, आगे पढ़ते लेकिन आगे पढ़ने से पहले आपको उससे पहले दिन का रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए दोनों दिन का रिवाइज करना है, और ऐसे करके रिविज़न की चेन आपकी चलती रहनी चाहिए। नंबर थ्री थिंग इज Whatever you have learned, convert it into timeline, flowchart, or some diagram, etc. यानी आप जो भी जब चीजें याद कर लेते हैं तो फिर माइंड मैप की तरीके से उन्हें फ्लो चार्ट में लाइए कि ये बात थी एक लाइन में लिखी, फिर इसके बाद ये बात थी फिर दूसरी लाइन में, फिर ये बात थी, यानी आपका पूरा पन्ना 4 लाइन में समेट के आ जाता है कि इसमें ये बातें मेन रूप से बताई गई हैं।
या फॉर एग्जांपल आप किसी जैसे एज या मूवमेंट के बारे में याद कर रहे हैं तो उसकी टाइमलाइन को अलग से नोट करके रखिए कि इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, देन वो टाइमलाइन आपको याद होगी तो उसके साथ की चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। इसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा बल्ब, तो बल्ब कहते ही आपके दिमाग में BULB बल्ब आया या बल्ब जलता हुआ बल्ब या बुझा हुआ बल्ब दिखाई दिया, नेचुरली उसकी पिक्चर जैसी और बल्ब हमें दिखाई दिया तो ये वाली, जबकि आपको बल्ब की स्पेलिंग भी याद है बट बल्ब की स्पेलिंग BULB दिमाग में पहले नहीं आई बल्कि बल्ब का चित्र दिमाग में आया पहले। ये इंडिकेट करता है कि हमारा माइंड जो है वो डायग्राम्स को, पिक्चर्स को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है और ज़्यादा देर तक वो दिमाग में रहती हैं। और इसीलिए आपकी जो भी स्टडी है उसे किसी भी तरीके से फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, या किसी भी तरीके की टाइमलाइन में, या कोई भी अलग तरीका जो छोटे से में डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट हो उसमें कन्वर्ट कीजिए। आप जैसे ही वो अगले दिन आप उस चीज़ को देखेंगे, होल ऑफ द पिक्चर वुड बिकम क्लियर बिफोर यू। सो इट वुड ऑल्सो एनहांस योर मेमोरी एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। Now these are the three things which would make your studies smart. Now the fifth thing is this: never adopt new methodology one or two days before the exam. What happens? आपका दोस्त आया, उसने कहा कि अरे तू ऐसे याद कर रहा है, नहीं तुझे तो ऐसे याद करना चाहिए था, तुझे तो ऐसे नोट्स बनाने चाहिए थे, तुझे तो वो वाली बुक पढ़नी चाहिए थी। नहीं नहीं, उन सब चीज़ों को नहीं, जो हमारा पैटर्न हम इतने दिनों से फॉलो करते आए हैं एक दो दिन पहले एग्ज़ाम से, वो बदलना नहीं चाहिए। अदरवाइज आप टेंशन में, कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे विच वुड लीड टू फियर एंड विच वुड लीड टू पुअर परफॉर्मेंस इन दी एग्जामिनेशन। तो नई चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज that you should be thankful. Thankful to others, thankful to whatever you possess. जो कुछ भी है उसके लिए आप धन्यवाद दें कि मुझे ऊपर वाले ने इतना सारा कुछ दिया है। तो ये जो एटीट्यूड है थैंकफुल होने का, ये निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखने में सहायक होता है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम चाह के भी सही नहीं कर पाते तो खुद को दोष देते रह जाते कि हमने ये नहीं किया इसलिए ये नहीं हुआ, हमने ये नहीं किया। नहीं, अब आप उस समय भाई 10 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 8 सही किए और मैं इसके लिए अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, या जिसने भी मुझे पढ़ाया या खुद का मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा रहा। तो इससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, इसलिए थैंकफुल होना चाहिए। अब एक बात और रह गई कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, आप अच्छी से तैयारी करके आए, जो कुछ सिखाया वो समझ के आए, अब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही पेपर आपके सामने आता है और चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती है कि आपके होश उड़ जाते हैं। तो अब होश उड़ते ही आप घबराने लगते हैं, थोड़ा पसीना सीना सा आ जाता है, डर जाते और चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो देखिए इस नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत प्यार करते हैं कि देखो मेरा मम्मी कितना विश्वास करती हैं और मेरी टीचर है तो टीचर कितना विश्वास करती हैं, नहीं मैं इसे कर पाऊँगा, जो कुछ अच्छा कर सकता हूँ वो कर पाऊँगा। और ये मत सोचिए द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपने इतनी तैयारी की है, सब कुछ आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट स्टिल ट्राई टू हैव अ करेज और सोचिए उन लोगों के बारे में जो आप में विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए मुझे उनकी चाह में खरा उतरना है और मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप को बूस्टअप कीजिए इस तरीके से कह के और आगे बढ़ने का काम कीजिए। उसके अलावा यू कैन टेक 1 or 2 डीप ब्रेथ, गहरी सांसें लीजिए। गहरी सांसें कोई ये मतलब नहीं है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाती है और ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई होती है और ब्रेन से अच्छे सिग्नल्स आते हैं और ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। और नेचुरली जब ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा तो इट वुड अटैक फियर और फियर को अटैक होगा तो आप फिर सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से करने लग जाएंगे। सो हैव ए डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट दोज हु लव यू
एंड ऑल्सो हैव ए सिप और टू ऑफ वाटर एंड इट वुड डू अ गुड एंड से यस आई कैन डू इट एंड यू वुड बी एबल टू डू इट. So these things are for the preparation before examination and during examination. I have told you that these three tips. So I think you would be able to overcome your fear in examination. So good luck and best of luck to all of you. And thanks for patience listening.